नमस्कार। क्या पीओके से किसी वक्त बड़ी खबर आने वाली है? अचानक सरकार ने देशवासियों को किसी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने को क्यों कहा है? क्या भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक करके पीओके में घुसने वाली है? और मोदी सरकार संसद में पीओके को लेकर ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लेने जा रही है जिससे पूरे पाकिस्तान में टेंशन है और चीन भी घबराया हुआ है? जी हाँ, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर दशकों से पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है, उसे फिर से भारत में मिलाने के लिए लगातार सिग्नल मिल रहे हैं। वैसे तो ये सिग्नल मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही मिल रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में पीओके को भारत में मिलाने के संकेतों में तेजी आई। जिससे पाकिस्तान के हुक्मरानों और सेना की नींद उड़ी हुई है। सोते जागते पाकिस्तान की सेना और वहां के नेताओं से लेकर आवाम तक को इस बात का डर अब 24 घंटे सता रहा है कि किसी वक्त भारतीय सेना अटैक कर सकती है और पीओके हाथ से निकल सकता है। और ये डर आए दिन पाकिस्तान के नेताओं के बौखलाहट भरे बयानों से साफ झलकता है। लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है उसने पूरे पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर राजनाथ सिंह के हालिया बयान और उसके मायनों की। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर पाकिस्तान को तगड़ी चेतावनी दी है जिसे फाइनल ऑर्डर के तौर पर माना जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर खड़े होकर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना किसी भी वक्त LOC को पार कर सकती है। एक बार आप भी सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। 26 जुलाई 1999 को युद्ध जीतने के बाद भी हमारी सेनाओं ने अगर LOC पार नहीं किया तो वह इसलिए कि हम शांतिप्रिय हैं, भारतीय मूल्यों के प्रति हमारा पूरा विश्वास है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस समय अगर हमने LOC पार नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं था कि हम LOC नहीं पार कर सकते थे। हम LOC पार कर सकते थे और हम LOC पार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो भविष्य में LOC हम पार करेंगे। और इसे फिर से दोहराना चाहूंगा कि हम LOC पार कर सकते थे, हम LOC पार कर सकते हैं। यदि हमें छेड़ा गया और जरूरत पड़ी तो भविष्य में हम LOC पार करेंगे, इसका मैं देशवासियों को अपनी तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं। राजनाथ सिंह का यह ऐलान इसलिए भी पाकिस्तान में खलबली मचाने वाला है क्योंकि जिस वक्त उन्होंने यह बयान दिया वहां CDS के अलावा तीनों सेनाओं के चीफ मौजूद थे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार पाकिस्तान को चेताते हुए ये बात दोहराई कि LOC क्रॉस करने का विकल्प कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे साफ है कि LOC के पार POK में भारतीय सेना का एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इसका बड़ा संकेत राजनाथ सिंह के अगले बयान में भी मिलता है क्योंकि वो हिंदुस्तानियों को युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कहते हैं। आने वाले समय में जनता को सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से ही नहीं बल्कि डायरेक्ट रूप से भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजनाथ सिंह के बयानों का मतलब साफ है कि सेना LOC पार करने के लिए तैयार है, कभी भी कुछ हो सकता है और युद्ध के लिए भारत की जनता को भी हर वक्त तैयार रहना होगा। रक्षा मंत्री से पहले विदेश मंत्री S. जयशंकर भी पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे चुके हैं कि अगर कश्मीर पर कोई बातचीत होगी तो वो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लाने पर होगी। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. जयशंकर का ये क्लियर मैसेज पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उन देशों के लिए भी था जो इस आतंकी पालने वाले मुल्क को इनडायरेक्ट सहयोग करके भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दरअसल पीओके को हिंदुस्तान में मिलाने की आवाज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भी लगातार करते हुए आए हैं। आए दिन पीओके की जनता पाकिस्तान की सरकार और उसकी कार्यसेना के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सामने आती रहती है। आटे की किल्लत, स्वास्थ्य सुविधाओं की असुविधा, महंगाई, बेरोजगारी, सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियां और पाकिस्तानी सेना के
जुल्म सितम से परेशान होने वाली पीओके की जनता अब भारत के साथ आना चाहती है। इस बात का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि पीओके की जनता प्रदर्शन करते हुए दोनों देशों को जोड़ने वाली कारगिल रोड को फिर से खोलने की मांग उठाती रहती है, जिससे कि भारत में पीओके की घर वापसी के रास्ते खुल सके। खुद सीएम योगी भी बता चुके हैं कि कैसे पीओके की जनता पाकिस्तान से परेशान होकर भारत का हिस्सा बनना चाहती है। आज अब कश्मीर के अंदर उपद्रव नहीं, अब पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए, हम भी भारत के साथ शामिल होना चाहिए चाहते हैं। दलित पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। ये नहीं बल्कि मोदी सरकार पीओके को भारत में मिलाने के लिए किस तरह से मन बना चुकी है, इसकी वानगी संसद में गृह मंत्री अमित शाह के रौद्र रूप से देखने को मिली थी। शाह ने विपक्ष पर भड़कते हुए कहा था कि हम पीओके के लिए जान भी दे देंगे। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? तो चलिए बात करते हैं मोदी सरकार के उस बड़े फैसले की जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की मोहर लगाता है। दरअसल 2024 से पहले पीओके में पाकिस्तान के अवैध कब्जे का गेम हो, उससे पहले ही पीओके से आए कश्मीरियों के लिए जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीट पक्की होने जा रही है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मौजूदा संसद सत्र में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 लाने जा रही है। बिल में प्रावधान किया गया है कि विधानसभा की एक सीट विस्थापित नागरिक और दो सीट कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित होंगी। विस्थापित नागरिक पीओके से आए जम्मू कश्मीर नागरिकों को माना जाएगा, यानी कि 1947 के समय जो जम्मू कश्मीर के नागरिक थे लेकिन पाकिस्तान के कश्मीर पर अवैध कब्जे के बाद वहां से लौटकर यहां आ बसे। कुल मिलाकर साफ है कि अब पीओके को भारत में मिलाने का टाइम आ गया है, जिसकी पूरी तैयारी भी कर ली गई है। किसी वक्त पाकिस्तान पर एक्शन हो सकता है और पीओके में पाकिस्तान की सेना को खदेड़कर तिरंगा फहराया जा सकता है। नमस्कार। Z News.